हेलो व्यूअर, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इनफैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इसमें एक से लेकर पांच तक के क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हर एग्जाम में आते हैं। इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका पार्ट वन जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा, रमेश एक कुआं खोदने में 10 दिन लेता है, राहुल 15 दिन में समान काम वो पूरा कर लेता है। अगर दोनों साथ में समान कुएं एक साथ खोदें तो कितना समय लगेगा? ए 5 दिन, बी 6 दिन, सी 8 दिन की डी 10 दिन। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको मैंने पहले पिछले वीडियो में भी फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। तब भी आपको दो व्यक्ति हैं, अलग अलग दिए हैं, एक रमेश है एक राहुल है, दोनों का अगर दिन निकालने हैं, काम निकालना है कितने दिन में पूरा किया, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या करना है आपको देखिए, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 15 है, तो 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15। तो 10 इंटू 15 यानी कितना होता है 150, और 10 प्लस 15 यानी होता है 25। तो दोनों को डिवाइड करें, 25 6 150, तो उसका आंसर होगा 6। तो आपको लगाना है ऑप्शन बी। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 7th क्वेश्चन है, ए किसी काम को 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त, ये दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, आपको ए पर्टिकुलर किसी दिन निकालना था, जैसे ए 12 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में पूरा करता है, तो हम x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई निकालेंगे। लेकिन अगर इसमें लिखा है 2/5 भाग 12 दिन में करता है और 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें पूछा क्या है। पूछा है 2/3 भाग 12 दिन में, 3/4 भाग 15 दिन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले 12 इंटू 2/5 को आपको उल्टा उसको 5/2 कर देना है। तो आप देखो सॉल्व करेंगे 12 5 60/2, यानी डिवाइड करेंगे 60 से 2 तो आएगा 30। तो इसी प्रकार से सेकंड वाले बी का जो हम निकालने के लिए 15 × 3/4 को 4/3 कर देंगे, तो 15 4 60/3 63 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। तो ए का आ गया 30 डेज और बी का आ गया 20। फिर जनरली वही फॉर्मूला जो x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई वाला लगा देंगे, ठीक है। x इंटू वाई यानी 30 आया था हमारा x की वैल्यू, y की वैल्यू 20, तो 30 × 20/30+20, ये तो आपको पता ही होगा, 30 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600, और 30+20 करेंगे तो 50। फिर 0 से 0 काट देंगे और 5 के टेबल से 60 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 12। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 12 के साथ जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? ए 15 दिन, बी 17 दिन, सी 12 दिन, बी 48 दिन। तो आपको देखिए इसमें दिया गया है, ए का दिया है और ए और बी का दोनों का साथ में दिया है, आपको बी का अकेला निकालना है। तो जब अगर आपको ए का और बी का दिया रहे और ए बी का निकालना हो, ए बी मिलकर करते हैं, तो आपको वो एक्स इंटू वाई अपन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर ए का दिया हो, ए बी का दिया हो और बी का निकालना हो, तो आपको x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लगाना है। पर x और y की वैल्यू देखिए 10 और 6 है, तो 10 इंटू 6 अपॉन 10 माइनस 6, तो 10 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 6 जा हो जाएगा कितना हो जाएगा 60, और 10 माइनस 6 यानी 4, तो 60 में 4 का डिवाइड कर देंगे तो 4 1 4 4 5 20 यानी 15। तो आपको ऑप्शन नंबर ए यानी 15 डेज के साथ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए पूछा जाता है, यदि 15 फरवरी 2013 को शुक्रवार था तो 15 फरवरी 2021 को क्या दिन था? ए सोमवार, बी मंगलवार, सी गुरुवार, डी रविवार। ऐसे बहुत सी ट्रिक हैं, पर आपको इससे ये याद रखना है ये फ्यूचर का होता है या पास्ट का होता है। जैसे मान लीजिए हमको 2013 से 2021 का निकालना है, तो 2013 से 2021 जो हमको फ्यूचर का आगे का निकालना है, तो फ्यूचर का निकालना है तो हमें आगे के दिन गिनने हैं। जैसे अगर मान लीजिए शुक्रवार आया और आगे के 3 हमारा आंसर आया, तो शुक्रवार के बाद 3 दिन क्या होता है, शनिवार, रविवार, सोमवार आंसर आएगा। अगर हमें फ्यूचर का पूछा जाएगा तो हम पीछे कितने दिन गिनेंगे, जैसे शुक्रवार का है तो 3 दिन पहले क्या होगा, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार होगा। तो हम यहाँ पर क्या क्या पूछा है फ्यूचर का, तो हमें आगे के दिन गिनने हैं। तो क्या सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमें कितने टोटल कितने ईयर्स हो रहे हैं, जैसे 15 फरवरी 2013 से 2021 के बीच में 15 फरवरी का पूछा है, तो 13 से 21 के बीच में कितने साल हो रहे हैं, तो गिन लेंगे हम, तो माइनस कर देंगे 21 में 13, तो 21 में अगर 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, तो 8 ईयर्स हो रहे हैं टोटल। अब इस 8 ईयर्स में आपको ये देखना लीप ईयर कितने हैं, जितने लीप ईयर होंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, और जो लीप ईयर नहीं होंगे उसमें 1 का मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को ऐड कर देना है। कैसे देखिए इसमें लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर होता है जिसमें अगर 4 का पूरा डिवाइड हो जाए वो होगा लीप ईयर। जैसे 13 लिखा है, 13 में 4 का डिवाइड नहीं होता, 14 में भी नहीं होता, 15 में, तो 16 में होगा, तो 16
20 ये सब लीप ईयर होंगे। तो देखिए लीप ईयर में 2 का मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल ईयर में 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 यानी 4 और 1 इंटू 6 यानी 6। अब 4 प्लस 6 यानी टू 10। तो 10 को आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि टोटल जो होते हैं नंबर ऑफ डेज 7 होते हैं, तो हम 7 से ही डिवाइड करेंगे। तो 10 को हम 7 वन जा 7 कितना रिमाइंडर बचा, 3। हमें सिर्फ रिमाइंडर को ध्यान रखना है, 3 रिमाइंडर लेफ्ट बचा। तो शुक्रवार के बाद 3 दिन आगे क्या होगा, शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार सोमवार, तो आपका आएगा कौन सा दिन, सोमवार, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसी तरीके से फ्यूचर के बारे में था, ये पास्ट ईयर के बारे में। तो अब देखिए लिखा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि 26 जनवरी 2019 सोमवार था तो 26 जनवरी 2015 को क्या दिन था। देखिए यहाँ पर हमको पास्ट में जाना है, मतलब पीछे जाना है। तो जब हम पीछे जाते हैं उसमें भी लीप ईयर ही देखते हैं, टोटल कितने ईयर्स हैं। पहले देखिए 2019 से 2050 में भी टोटल ईयर्स हो रहे हैं 4, पर हम पास्ट में जाना है तो पास्ट में अपने पीछे के दिन काउंट करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन में। 2019 से 2015 से हम स्टार्ट करेंगे, 2019 के बीच में देखेंगे लीप ईयर कितने हैं। तो टोटल 4 ईयर्स हैं, सिर्फ एक लीप ईयर है 2016, तो उसमें एक लीप ईयर हो गया और बाकी बच्चे जो हैं नॉर्मल ईयर्स हैं। ठीक है, 2015 से 2019 में टोटल 4 ईयर्स हैं, जिसमें 2016 ही बस एक ही लीप ईयर है, बाकी 3 नॉर्मल ईयर्स हैं। तो मैंने क्या बताया था, लीप ईयर में 2 का मल्टीप्लाई, नॉर्मल ईयर्स में 1 का मल्टीप्लाई, यानी 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। देखिए अब 5 आ गया तो 5 7 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो आप सीधे ही 5 दिन पीछे चले जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर आपको 7 से बड़ा नंबर होगा तभी डिवाइड करेंगे, अगर 5 आ गया तो 5 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम सीधे ही 5 दिन पहले जाएंगे। तो देखिए हमसे क्या पूछा था, सोमवार, तो 5 दिन पहले कौन सा होगा, देखिए रविवार शनिवार शुक्रवार गुरुवार, फिर 5वें दिन होगा बुधवार, बुधवार यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरीके से आप काउंट कर लेंगे, हमारे रीजनिंग का क्वेश्चन ही है ये भी। देखिए बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्ट्स PARTS STRAP WOLF क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो पहले आप देखिए जो फर्स्ट दो होते हैं, जैसे पार्ट्स और स्टेप लिखा है, PARTS और STRAP, इन दोनों में क्या रिलेशन है, जो रिलेशन होगा वो बाजू वाले में WOLF और उसका जो आंसर होगा उससे रिलेशन होगा। तो हम इसमें देखते हैं, देखिए इसको उल्टा लिख रहे हैं, उल्टा कैसे लिख रहे हैं, देखिए PARTS पार्ट्स है तो इसको अगर उल्टा लिख दें तो STRAP स्टेप होता है जो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, वही इसमें भी कर देना आपको, WOLF है तो इसको उल्टा लिख देंगे, वोल्फ का उल्टा लिख देना आपको FLOW फ्लो, तो आपको पता होगा फुल फ्लो कहाँ लिखा हुआ है, तो फ्लो पार्ट का उल्टा स्टेप है इसलिए वॉल्व का उल्टा फ्लो होता है, तो आपको यह रखना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यानी फ्लो के साथ जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।